गुड इवनिंग दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी के प्रथम प्रमुख स्थल रूप। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि पृथ्वी पर जो है अनगिनत प्रकार के स्थल रूप है। जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं, जो दिया हुआ है, पर्वत श्रृंखला है, पहाड़ी है, पठार है, सहायक नदी मैदान, नदी झील, डेल्टा नदी, मुहाना, वितरका, प्रायद्वीप है, ये बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं। तो स्थल रूप है, कुछ भाग स्थल रूप के ऊँचे नीचे होते हैं, कुछ भाग समतल होते हैं। स्थल रूप है वो दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं, एक तो आंतरिक प्रक्रिया होती है, एक बाह्य प्रक्रिया होती है। जो आंतरिक प्रक्रिया है उसकी वजह से तो पृथ्वी की सतह है वो कहीं कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धस जाती है, जबकि जो बाह्य प्रक्रिया है उसके द्वारा स्तर के लगातार बनने टूटने की प्रक्रिया है। दूसरी प्रक्रिया यानी पृथ्वी की सतह के टूट कर घिस जाने को तो अपरदन कहते हैं, और अपरदन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। ये दो प्रक्रियाएं वो बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती है। हम विभिन्न स्थल रूप हैं उनकी ऊंचाई, ढाल के आधार पर पर्वत, पठार, मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पर्वत। पर्वत जो है वो पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा होता है, आधार चौड़ा होता है और आसपास के क्षेत्र से बहुत ज़्यादा ऊँचा होता है। कुछ पहाड़ है वो बादलों से भी ऊँचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाती है। कुछ पर्वतों पर हमेशा बर्फ जमी रहती है, इन्हें बर्फ की नदियाँ कहते हैं, हिमानी भी कहा जाता है। कुछ ऐसे ही पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं तथा इन्हें हम देख नहीं सकते हैं। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्र में वो बहुत कम लोग निवास करते हैं। वहाँ का धरातल है वो खड़ी ढाल वाला होता है, कृषि योग्य भूमि की भी वहाँ कमी होती है। पर्वत हैं वो एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं, जिसे श्रृंखला कहते हैं। बहुत से पर्वतीय तंत्र है वो समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं, जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। जैसे हिमालय है, आल्प्स है, एंडीज है। हिमालय तो एशिया में है, आल्प्स है वो यूरोप में है, और एंडीज है वो दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। ये पर्वतों की ऊंचाई और आकार तो काफ़ी भिन्नताएँ होती हैं। पर्वत हैं वो मेन रूप से तीन प्रकार के होते हैं। एक तो बलित पर्वत होते हैं, एक भ्रंशोत्त पर्वत होते हैं, एक ज्वालामुखी पर्वत होते हैं। हिमालय तथा आल्प्स पर्वत हैं वो बलित पर्वत के एग्जाम्पल हैं, और जो इनकी सतह है वो ऊबड़ खाबड़ होती है, शिखर है वो शंक्वाकार है। भारत की अरावली ये श्रृंखला है वो विश्व की सबसे पुरानी बलित पर्वत श्रृंखला है। अपरदन की क्रिया की वजह से ये श्रृंखला घिस गई है। उत्तरी अमेरिका की आपलेसियन तथा रूस के यूराल पर्वत हैं गोलाकार दिखाई देते हैं, उनकी ऊंचाई कम है। ये बहुत पुराने बलित पर्वत हैं, उत्तरी अमेरिका का आपलेसियन और रूस का यूराल पर्वत, ये भी बलित पर्वत के एग्जाम्पल हैं। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है, ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, तब भ्रंशोत्त पर्वतों का निर्माण होता है। तो ऊपर उठे हुए खंड को तो होस्ट या उत्खंड कहते हैं, तो नीचे धसा हुआ खंड है उसको द्रोण का भ्रंश या ग्रोबिन कहा जाता है। यूरोप की राइन घाटी है तथा बास जैसे पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो है, जापान का फुजियामा है, इस तरह के पर्वतों के उदाहरण हैं। पर्वत हैं वो बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत जल के संग्रहकार भी होते हैं। यहाँ पर मतलब जल का काफ़ी संग्रह होता रहता है, जैसे बर्फ़ के रूप में भी होता है पर्वतों पर, जिससे काफ़ी नदियों का स्रोत है, जैसे हमारी जो गंगा है, यमुना है, ये सब पर्वतों से ही बह रही हैं। जलाशयों के जल को भी लोगों को तो पहुँचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग है वो सिंचाई और पनबिजली के उत्पादन में भी किया जाता है। नदी घाटियाँ हैं, वेदिकाएँ हैं, कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं ये। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ, जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों से हमें ईंधन मिलता है, चारा मिलता है, आश्रय मिलता है, दूसरे उत्पाद हैं जैसे गोंद, रेजिन इत्यादि प्राप्त होते हैं। सैलानियों के लिए भी पर्वतीय भाग वो उपयुक्त स्थान है। यहाँ पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। विभिन्न प्रकार के खेल भी हैं, जैसे कि पैराग्लाइडिंग है, हैंग ग्लाइडिंग है, रिवर राफ्टिंग है, स्कीइंग है, ये भी पर्वतों में प्रचलित हैं। पर अब देखते हैं हम पठार। पठार है वो ऊँची उठी हुई और सपाट भूमि होती है। आसपास के क्षेत्रों से थोड़ा अधिक ऊंचा उठा होता है ये। तो ऊपरी भाग है वो मेज के समान सपाट होता है। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। पठार की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर से लेकर कई हज़ार मीटर तक हो सकती है। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन पठार है वो पुराने पठारों में से एक है। केन्या, तंजानिया, युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार है, ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण हैं। तिब्बत का पठार है वो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई बांध समुद्र से है वो 4000 से 6000 मीटर तक है। पठार बहुत उपयोगी होते हैं, खनिजों की प्रचुर मात्रा मिलती है इनमें। विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र हैं जो पठारी भागों में स्थित हैं। अफ्रीका का पठार है वो सोना हीरो के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर का पठार है वो लोहा, कोयला, मैंगनीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं इनमें। पठारी क्षेत्रों में बहुत से जल प्रवाह भी हो सकते हैं, जैसे नदियाँ ऊँचाई से गिरती हैं इसलिए यहाँ जल प्रपात बन जाते हैं।
भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्णरेखा नदी पर स्थित हुंडरू जलप्रपात, कर्नाटक में जोग जलप्रपात इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण है। लावा पठार में काली मिट्टी की बहुत ज़्यादा प्रचुरता होती है जो उपजाऊ है और खेती के लिए काफ़ी अच्छी होती है। कई पठारों में रमणीय स्थल भी होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। अब देखते हैं मैदान। मैदान है वो समतल भूमि के बहुत बड़ा भाग होता है, मध्य समुद्र तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं ये मैदान। कुछ मैदान काफ़ी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल तथा तरंगित हो सकते हैं। अधिकांश मैदान है वो नदियाँ उनकी सहायक नदियों के द्वारा ही बने होते हैं। नदियाँ हैं पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं तथा उन्हें अपर्दित कर देती हैं। ये अपर्दित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती हैं। अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थों से पत्थर हुआ, बालू हुआ, सिल्ट हुआ, इनको वो घाटियों में निक्षेपित कर देती हैं। इन्हीं निक्षेपों से मैदानों का निर्माण हो जाता है। सामान्यतः तो मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं, लेकिन यहाँ परिवर्तनों के साधन निर्माण करना आसान होता है, इसलिए मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग भी होते हैं। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में भारत का गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान तथा चीन में यांगसे नदी का मैदान इसके प्रमुख उदाहरण है। मैदान है वो मनुष्य के रहने के लिए सबसे अधिक उपयोगी क्षेत्र है। यहाँ की जनसंख्या भी बहुत अधिक होती है क्योंकि मकानों को बनाने तथा खेती के लिए या समतल भूमि की प्रचुरता होती है। उपजाऊ मिट्टी के कारण यह भाग खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है। भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला भाग क्षेत्र है। अरे स्थल रूप एवं लोग, यानी कि स्थल रूप के अकॉर्डिंग ही जो मानव है वो विभिन्न प्रकार के जीवन यापन करते हैं। ये पर्वतीय क्षेत्र है उनका जीवन कठिन होता है, थोड़ा मैदानी क्षेत्र है उनका काफ़ी सरल होता है। मैदानों में फसलें उगाना, घर बनाना, सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में बहुत आसान होता है। तो जो इनके रहन सहन के तरीकों में काफ़ी अंतर होता है। जैसे प्राकृतिक आपदाएँ भूकंप, ज्वालामुखी, युद्ध, तूफान, बाढ़ बहुत विनाश कर देते हैं। स्थल का उपयोग आजकल हम काफ़ी गलत तरीके से करते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि पर मकानों का निर्माण कर देते हैं, कूड़ा किसी भी भूमि पर पानी में फेंक देते हैं जो गंदा कर देता है। प्रकृति के इस महत्वपूर्ण प्रदान का उपयोग इस पर नहीं करना चाहिए। हमें भूमि का उपयोग केवल हमारे उपयोग के लिए नहीं है, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हमें उसी को सुरक्षित रखना है। इसी के साथ दोस्तों इसे समाप्त करते हैं।